धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूंजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जीजस वार्निंग। हे मेरे प्रियो, मैं आपको पाप से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए, व्यभिचार से परमेश्वर बहुत ही नफरत करता है, जैसे रोमियो 8:6-7 वचन में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, यानी जो शारीरिक इच्छाओं पर मन लगाते हैं, वे परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हैं। एक मसीही लगातार पाप करता है तो वे परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है मेरे प्रियो, और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। अगर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो यह ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। नो, नहीं जा पाओगे। आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, और इस गलत फहमी के चक्कर में मत रहना कि यीशु मुझे स्वर्ग लेकर चला जाएगा। अगर आप शारीरिक दशा में हैं, यानी वही गंदे काम, गाली देना, झूठ बोलना, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे का लहू बहाना, गाली देना, कब तक ये सब पाप करते रहोगे? कब तक है मेरे प्रियो? क्या अंत नहीं? पाप करके शैतान के पीछे नहीं जाना, वरना शैतान के पीछे पीछे आपको नर्क में जाना पड़ जाएगा। अनंत काल की सजा मिलेगी, कीड़े नहीं मरेंगे, आग कभी नहीं बुझेगी। देखिए, परमेश्वर ने हम सभी को इस संसार से अलग किया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जैसे रोमियो 8:9 वचन में लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यीशु ने कहा है, जैसे मत्ती 5:29-30 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अपने पास से काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। देखिए, परमेश्वर आपको नरक से बचाना चाहता है, और शैतान आपको नरक में ले जाना चाहता है पाप के द्वारा। नंबर एक, देखिए यहाँ पर परमेश्वर हाथ पैर आंख निकालने के लिए नहीं कहता है, जैसा कुलुसियों 3:5 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूंजा के बराबर है। इन्हीं ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। देखिए, शैतान तो उस नरक में जाएगा ही, क्योंकि उसका न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था। क्यों पाप करके नरक में जाना चाहते हो भाई? शैतान का एक ही मकसद रहता है मेरे प्रियो, अपने 7,00,000 करोड़ आत्माओं को नरक में ले जाना। आई होप, आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास शेयर जरूर कर देना। क्या बताओ कि एक शेयर से 1,00,000,000 करोड़ आत्माएं बढ़ सकती है मेरे प्रियो? इसके बदले परमेश्वर आपको मुकुट देगा, स्वर्ग का जीवन देगा। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, गुड लक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।